हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी के बारे में बात किए थे हम पिछले लेक्चर में। ओके, तो आज हम उसके ऊपर आए कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। हमारे जो गेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी के बारे में, तो आइए हम उसको सॉल्व करेंगे आज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, अ प्लेन फ्रेम ए बी सी डी ई एफ जी एच शोन इन फिगर हैज क्लैम्प सपोर्ट एट ए। हमारा क्लैम्प सपोर्ट एट ए, हिन सपोर्ट एट जी एंड एच, एक्सियल फोर्स रिलीजेज हॉरिजॉन्टल स्लिप एट सी एंड मोमेंट रिलीज एट हिंज एट ई। द स्टेटिक डी एस एंड काइनेमेटिक डी के इनडिटरमिनेसी आर। ठीक है, हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हमारा इस फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारा जो डीएस होता है, ओपन ट्री मेथड हम इसमें लगाएंगे। ओके, हमारा ये जो ओपन ट्री मेथड होता है, ये होता है 3 × C − R − M − 1। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो है वो सब देखें। ठीक है, उसमें हमने इस फॉर्मूला पे काफ़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो हमारा ये जो सी होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ कट्स। ये आर क्या होता है, रेस्ट्रेंट रिक्वायर्ड टू रिमूव टू मेक द रिएक्शन सपोर्ट रिजिड सपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितने हमारे रिएक्टेंट्स लगेंगे उस चीज़ है वो चीज़ है। यहाँ पे एम क्या है मेरा, उतने मेंबर जो हमारे हिंज से सपोर्ट है। तो आइए हम अप्लाई करते हैं। अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर हम इस यहाँ पे एक कट कर देते हैं और अगर हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह। कुछ इस तरह से मेरा ये ओपन स्ट्रक्चर में चला आएगा। ठीक है, ओपन ट्री स्ट्रक्चर। तो हमने इस पे कट कितना लगवाए हैं, दो, एक और एक दो, 3 × 2। आर की वैल्यू अब हमको निकालना है। आर की वैल्यू निकालने के लिए हमारा ये देखिए रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये यहाँ पे क्या है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन लगते हैं तो हमारे हिंज बना ये हमारा रिजिड बनाने के लिए एक रिएक्टेंट का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे आर इक्वल टू वन, यहाँ पे आर इक्वल टू वन, और यहाँ पे देखिए ये स्लाइडर लगा हुआ है तो इस पोर्शन को भी क्या करना पड़ेगा, रिजिड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो हमारी टोटल जो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 + 1 + 1, ये कितना हो गया, 3 माइनस। आइए अब हम बात करते हैं हमारे हिंज किस पोजिशन पे। हिंज है मेरा ई पोजिशन। इस हिंज से मेरे दो मेंबर अटैच्ड हैं, मेंबर ए और मेंबर बी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 − 1। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3 − 3 − 1 इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमारे जो डीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमारा ऑप्शन में क्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2। तो हमको यहाँ पे डीएस की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, डीके का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। हमारे डीके निकालने का फॉर्मूला होता है 3j − r − m′+4। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जी एंड एच एक्सियल फोर्स रिलीजेज हॉरिजॉन्टल स्लिप एट सी। तो हमारा ये क्या करेगा, सी पे हॉरिजॉन्टल स्लिप करेगा। तो यहाँ पे मेरा जॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6। ओके, देन 3 × 6। हमारे यहाँ पे रिएक्शन कितना है, रिएक्शन यहाँ पे वैल्यू कितनी है आर की, 3 r = 2। यहाँ पे कितना आर इक्वल टू 2। तो कितना हो गया मेरा टोटल रिएक्शन की वैल्यू, 3 + 2 + 2, 7। अब हमारे यहाँ पे जो मेंबर है वो यहाँ पे हिंज कहाँ पे है, इस जगह पे हिंज है। तो यहाँ पे जहाँ पे यहाँ हिंज होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 4 इसके लिए 4 ऐड कर दिए, इसके लिए 4 ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मेरा किसी भी कॉर्नर पे क्या हिंज है क्या नहीं, तो ये फॉर्मूला में इसका हमको क्वेश्चन
कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, इस इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने हमारे मेंबर हैं। वो हमारा एम डैश क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल हमारे मेंबर कितने हो गए यहाँ पे, 7। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 18 माइनस प्लस 8 माइनस 7, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरा आ जाएगा 26 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 12। तो मेरे डीके का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब ये मेरा 12 आ गया, तो हम यहाँ पे ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पे मेरे डीएस की वैल्यू कितनी, 2 आ चुकी है, और यहाँ पे मेरा डीके की वैल्यू 12 आ चुका है। तो ये 12 किसके करीब क्लोज है, 13 के। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ से कन्फर्म हो चुके हैं कि डीएस की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है। तो ये मेरा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गेट 1992 का क्वेश्चन था, 2 मार्च में आया हुआ था। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये 1993 का क्वेश्चन है, गेट का। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा पूछा है द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम एज शोन इन द फिगर डिस रिगार्डिंग द एक्सियल डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर, कि हमारा मेंबर में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा। ठीक है, सो हमको पता है डीके की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 3j माइनस आर माइनस एम डैश प्लस एम प्लस वन। तो हमारे यहाँ पे देखते हैं कि जे कितना है, जॉइंट 1, 2, 3, 4, जे की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमारा इस पे रिएक्शन कितना लगेगा, 2 और 2, 4। अब हमारे यहाँ पे जो एम डेस है, कितने हमारे इसमें मेंबर हैं जो हमारा रिजिड हो गए, जिसमें मेरा डिफॉर्मेशन नहीं होगा, मेंबर 1, मेंबर 2 और एक मेंबर 3। अब हम बात करते हैं एम प्लस वन की वैल्यू के बारे में। एम प्लस वन यहाँ पे जो हिंज है, इस हिंज से कितना मेंबर कनेक्टेड है, 2, 1 और 1, 2। तो यानी एम माइनस वन होगा यहाँ पे, एम माइनस वन। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आइए हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं। जो मेरा वैल्यू है वो आता है 3 × 4 − 4 − 3 − 1। तो ये 12, तो ये है मेरा 12 + 1 − 7, 13 − 7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो मेरा 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन मेरा पूछा है द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द रिजिड फ्रेम विथ क्लैम्प्ड एंड एट A एंड D। ए और डी पे क्या किया गया है, मेरा क्लैम्प कर दिया गया है। जब ये क्लैम्प कर दिया गया है तो इस पे मेरा जो डिफॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो 0 होगा, किसी भी मेंबर में किसी तरीके का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमें डीके के वैल्यू का फॉर्मूला पता है, 3j माइनस आर माइनस एम डैश प्लस एम माइनस वन। तो हमारा यहाँ पे कहीं पे हिंज नहीं लगा हुआ है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 0। तो मेरा सिंपल फॉर्मूला आ गया 3j माइनस आर माइनस एम डैश। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जॉइंट कितना है, 1, 2, 3, 4। तो j की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, 4। ये जो रिएक्शन कितना लगेगा, 3, और यहाँ पे 3। टोटल रिएक्शन की वैल्यू 6 हो गई। अब हमारा एम डैश कितना ऐसा मेंबर है जो कि मेरा डिफॉर्म नहीं होगा, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। तो हम इसमें ये वैल्यू अपना सारा पुट कर देते हैं, 3 × 4 − 6 − 3। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 12 − 6 − 3, 12 − 9 इज इक्वल टू 3। राइट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेट 2001 में आया हुआ एक नंबर का क्वेश्चन है। द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डीएस एंड द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डीके फॉर द प्लेन फ्रेम्स शोन बिलो, एज्यूमिंग एक्सियल डिफॉर्मेशन टू बी नेग्लेक्टेड नेग्लिजिबल
आर गिवन बाय, हमारा इस मेंबर पे क्या होगा, जो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमको पता है डीएस की वैल्यू, ओपन एंट्री मेथड इसमें लगाएंगे, 3 × c माइनस आर माइनस एम माइनस वन। तो यहाँ पे क्या मेरा कहीं पे हिंज लगा हुआ है इस मेंबर में, नहीं तो ये वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो इसका सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा 3 c माइनस आर। अब हम क्या करते हैं इसको, कितना हमें इसको कट लगाना पड़ेगा ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ओपन एंट्री स्ट्रक्चर में आ जाए, एक कट यहाँ लगा देंगे एक कट यहाँ लगा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। कट लगाने के बाद मेरा जो फिगर होगा कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, हमारा फिगर कुछ इस तरीके का कट जाएगा। तो हमने इस पे कट कितना लगाया, एक और एक दो कट लगाया, देन 3 × 2 माइनस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इस सपोर्ट को रिजिड बनाने के लिए आर की वैल्यू कितनी लगेगी, आर इक्वल टू यहाँ पे 1 लगना पड़ेगा, यहाँ पे आर इक्वल टू 1 लगाना पड़ेगा, तब ये जो हिंज है वो रिजिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर की वैल्यू सिंपली मेरी कितनी आ गई, 2। तो यहाँ 6 − 2 इज इक्वल टू 4। तो हम ये ऑप्शन में चेक करते हैं, तो ऑप्शन में डीएस डीएस की वैल्यू दो केस में हमारा 4 है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब जो मेरा दो ऑप्शन बचा, इसी में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करते हैं डीके डीके की वैल्यू निकालेंगे, तो हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम निकालते हैं डीके, डीके का फॉर्मूला होता है 3j − r माइनस एम डैश प्लस एम माइनस वन। अगर हमारा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कहीं पे हिंज नहीं है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिंपली अब हम देखते हैं ज्वाइंट, इसमें मेरा कितना ज्वाइंट है, एक दो तीन चार पाँच छ, इसमें टोटल मेरा ज्वाइंट कितना है, छ। तो क्या हो जाएगा, 3 × 6। अब हमारे रिएक्शन कितना है, आर इक्वल टू यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, कितना है टोटल, −3 + 2 + 2। अब हम बात करते हैं एम डैश, एम डैश क्या है, मेरा वैसा मेंबर जो क्या करेगा, रिजिड रिजिड रहेगा और उसमें जो डिफॉर्मेशन है वो 0 होगा। तो कितना वैसे हमारे मेंबर है यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच ऐसे हमारे मेंबर हैं जिसमें किसी तरीके का हमारा एक्सियल डिफॉर्मेशन हो सकता है, −5। तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 18 − 7 − 5, 18 − 12 = 6। तो मेरे डीके की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो यहाँ पे डीके का कौन सा ऑप्शन में डीके का वैल्यू 6 है, इस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये गेट 2016 का क्वेश्चन है, एक नंबर में आया हुआ है, द काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द प्लेन ट्रस एज शोन इन द फिगर। ये हमारा ट्रस दिया गया है, इसका काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में पूछा है, ठीक है। ये हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2016 में दिया था, एक नंबर में। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। डीके का हमारा जो ट्रस के केस में डीके का जो वैल्यू है वो होता है मेरा 2j − r, ओके। तो हमारे यहाँ पे आइए जे की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि कितने हमारे इस ट्रस में ज्वाइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1, 7। तो हमारे यहाँ से जे की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और हमारा आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2, और यहाँ पे हमारा रोलर सपोर्ट है तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1। तो मेरा टोटल आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3। तो आइए अब हम जे और आर का वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो मेरा ये सिंपली हो जाएगा 2 × 7 − 3, यानी 14 − 3 = 11। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये फर्स्ट हो गया, 11। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो गेट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बेस्ड के ऊपर था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।